गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से जरूर कीजिए। कुछ भूल हो जाने से कमेंट सब्सक्राइब में जरूर बताइएगा। गाइस अभी मैं रेडी हुई थी, देखिए सर बनाने के लिए, पर मेरा बच्चा सोया था पर वो उठ चुका है। अभी मैं मतलब उसको नहीं मना कर शॉर्ट भी नहीं बना पाऊँगी, और उसके पापा भी दुकान पर है और मेरा बड़ा बच्चा स्कूल गया हुआ है। देखिए मैंने सुबह का नाश्ता वास्ता कर सबको खिलाकर सब काम करके उसके बाद रेडी हुई। रेडी होकर सोचा बच्चा सो गया है, थोड़ी से सब बना लूँ, पर मेरा बच्चा उठ चुका है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। आप लोग देख रहे, कुछ लोग देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जो सब्सक्राइब कर रहे हो देख नहीं रहे हो। अरे पहले मेरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी टाइम निकल कर आप लोग मेरा वीडियो देखिए। मेरा सब वीडियो ब्लॉग सब है, लोग देख सकते हो, और कॉमेडी भी मेरे पति बनाते हैं। गाइस अब क्या बताओ, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है फिर भी रेडी हुई हूँ, मतलब इतना ज़्यादा धूप निकला है फिर रेडी होकर फिर शॉर्ट मतलब ब्लॉग बना शॉर्ट मैंने सोचा शॉर्ट बना लूँ, उसके बाद एक ब्लॉग बना लूँगी। पर मेरा बच्चा उठ चुका है, ये बहुत परेशान करेगा अभी, और अभी बना सकूँगी नहीं, ये मुझे नहीं पता, फिर भी कोशिश करूँगी। मैं भी इसको ले ही नहीं हूँ कोदी पे, क्योंकि नीचे नहीं उतर रहा है, हो रहा है, सोच रहा है मम्मी रेडी हुई है कहीं पर जाएगी, इसलिए इसके मन में होगा इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और इतना ज़्यादा गर्मी है गाइस, आप लोग मुझे देखकर देख ही सकते हो, मैं पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग वीडियो दे सकूँ, और आप लोग मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और फुल हो जाने से आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हम कैसे अच्छे से बना सकें, क्योंकि हम लोग नए हैं, कभी बनाए नहीं हैं ब्लॉग वीडियो, और हम बाहर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, इसीलिए लेकर वो बाहर जाने से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो मुझे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए बाहर का खाना पीना मतलब कुछ भी खिलाने से बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है वो, इसलिए इतना गर्मी में कहीं नहीं जाती हूँ बाहर, इसलिए बाहर का वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा मतलब कभी जाऊँगी बाहर, तो बाहर से जो भी वीडियो आप लोगों को दूँगी। और मेरे पति जाते हैं और शॉर्ट वीडियो वो सब बनाते हैं, वो ब्लॉग नहीं बनाते हैं क्योंकि ब्लॉग में वो अच्छे से मतलब बोल नहीं पाते, कहते हैं मुझसे हिचकिचाहट होती है, इसलिए आज के लिए फिर बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलूंगी आप सभी से। बाय, थैंक यू।